नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज भी मैं आप सभी लोगों को जय फ्यूचर मैं का साथियों नहीं बोलूंगा, क्योंकि साथियों मैं भी जय फ्यूचर मैं का साथियों बोल के थक गया हूँ। थक इसलिए गया हूँ क्योंकि साथियों ये जो लीडर हैं ये बस तारीख पे तारीख हमको दे रहे हैं, यानी कि असली कोट यही हो गए हैं। मतलब समझो यार, कहाँ फंसे हो। हम सभी लोगों को ये एक तारीख दे रहे हैं। अभी तो सुनने को आया था 22 तारीख, अब सुनने को आ रहा है 30 तारीख, जो कि आज का ही है। वीडियो बहुत घूम रहा है, आपने यूट्यूब पर देखा ही होगा, और मुझे पता है कि इस वीडियो पे आप गालियां बहुत दोगे। लेकिन साथियों यह वीडियो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप गाली किसे दें। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं यह वीडियो। आप साथियों जो भी इस वीडियो पे गाली देना चाहते हैं वो पहले एक सवाल का जवाब हमें दें कि बंसी लाल सरेंडर क्यों नहीं हो रहा है। क्या वो बाकी के जो बचे पैसे हैं उसे ठिकाने लगा रहा है? क्यों नहीं सरेंडर कर रहा है? अब हम साथियों आवाज उठाएंगे। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो साथियों ये 3 महीना नहीं 4 महीना भी होगा, 5 महीना भी होगा, 6 महीना भी होगा, आपको तारीख पे तारीख मिलती जाएगी या केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। फिर उसके बाद आप सब सिर्फ तारीख पे तारीख देखते रहेंगे और अपने दोस्तों को जिनको आपने इस कंपनी में जोड़ा है वो बेचारे आपसे तसल्ली लेते रहेंगे। आप कितने दिन तक यही कहेंगे कंपनी चालू हो जाएगी, कंपनी चालू हो जाएगी, कंपनी चालू हो जाएगी। आप सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि इस आवाज को आप खुद उठाएं। साथियों मैं उठा रहा हूं इसलिए ताकि आप लोग संभल जाएं। बस साथियों बहुत हो गया, इंतजार बहुत हो गया, हमने भी की थी साथियों। 2014 में कंपनी बंद हुई थी और आज तक इंतजार कर रहे हैं, लेकिन साथियों वही गलती हम नहीं दोहराने देंगे आप लोगों को। साथियों आप अपनी नजर में खुद गिर जाएंगे जब ये समय बढ़ता जाएगा, आपका एक दिन एक साल जैसा लगेगा। मेरे कुछ दोस्तों को ऐसा लग रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं, मन में तो ऐसा ही चल रहा है उनके कि क्यों मैंने इसकी बात मान ली। घर वाले भी बोल रहे हैं उसको, कहां जाके पैसा फंसा दिया, और अफवाह तो बन गई है ना, फ्यूचर मेकर बंद हो गई है। और साथियों शायद आप सभी लोग एक वीडियो देखे होंगे, मेरे पास भी आया था, मुझे भी पता चला था कहीं से, लेकिन मैं इसे सुनते रह गया साथियों और मैं खुद बहुत हंसा और मुझे ऐसा लगा कि शायद जो हमारे साथ हुआ वही आप लोगों के साथ भी हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं उस वीडियो की। उस वीडियो में लीडर आए हैं और वही बोल रहे हैं कि बहुत महान हो तुम लोग, बहुत अच्छे हो और धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अरे सर जी, अगर धन्यवाद ही पाना है तो आप अपना खुद का एक YouTube चैनल बनाएं या Facebook पर बनाएं और वहाँ पर साफ साफ वीडियो बनाकर डालें। ऐसा ऑडियो मत भेजा करो, इसमें बहुतों की जान जा रही है, आप नहीं समझ रहे हो। जो भी लीडर हैं, मैं चाहूंगा और अमेजिंग एंटरटेनमेंट चाहेगा कि आप सभी लीडर सामने आकर उन सभी लोगों को राहत दें। ये आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। और साथियों आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि अब इंतजार का फल मीठा नहीं होगा, बहुत कड़वा होगा, और वो कड़वा ऐसा होगा कि आप अपने दोस्त के सामने जब जाओगे ना तो आपके आंखों में आंसू तो आएंगे लेकिन उनको दिखा नहीं पाओगे। अगर यह मेरी बात आप लोगों को समझ में आई तो इसी विचार से चलिए वही ऑडियो फिर से सुनते हैं और देखते हैं क्या यह लीडर सही है, सच है। सच है तो वीडियो में आए, ऑडियो ना दिखाए। और साथियों मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो करिए, क्योंकि हमें ही लड़ना होगा। हम नहीं लड़ेंगे तो हमसे जो छोटा है वो तो लड़ेगा ही नहीं। और ये सभी लीडर ऐसे गेम खेलते रहेंगे जो कि खेला जा रहा है, हमारे साथ खेल लिया गया है। हमारी PSL की प्रॉपर्टी जो थी, पता चला कि इन्हीं लीडरों ने ही प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर ली है। बस साथियों इससे ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वो जो आपके प्यारे लीडर हैं जिन्होंने आपको यह संदेश दिया है उनका भी ऑडियो चलिए सुनते हैं, उनको भी धन्यवाद करते हैं कि धन्यवाद सर जी, बहुत अच्छा किया आपने ये ऑडियो निकाल कर, अगर वीडियो में निकाले होते तो बहुत अच्छा लगता, हम आपके पैर धोकर पानी पीते। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि PSEL और अन्य चीट फंड कंपनियों की जानकारी सबसे पहले पाएं। मेरे देशवासियों को चरण स्पर्श, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, मातृशक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम सुरेश सिंह सोनगरा, मैं आप सबसे 3-4 विषय में बात करना चाहता हूं और माफी भी चाहता हूं कि आपके हृदय को ठेस पहुंचे
तो इस वीडियो को ऑडियो को सुनकर मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन आपसे बहुत सारे लोगों की डिमांड थी। मुझे हर मिनट हर घंटे हर दिन व्हाट्सअप इतने कम से कम 10-10, 15-15 हज़ार व्हाट्सअप आ जाते हैं। सारे लाखों लोग मुझे व्हाट्सअप करते, सर एक ऑडियो डालो, आप रियल न्यूज़ डालो, रियल न्यूज़ डालो, रियल अपडेट डालो, रियल अपडेट डालो, रियल अपडेट मैं आपको बताता हूँ। यदि आपकी रिक्वेस्ट मेरे पास आई है सभी की, तो मैं रियल अपडेट बताता हूँ। मेरी बात को ध्यान से आप सुनना और एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। ऐसा ही नहीं कि मैं आपको मोटिवेट करने के लिए कह रहा हूँ, और ये मोटिवेशन का शब्द अभी नहीं चलेंगे, ना मोटिवेट करने का समय है। यह समय वास्तव में सिर्फ एक ही चीज का है, खुद को संभालना और लोगों को संभालने का। अब आगे ये बात आप सुन चुके हो, लेकिन मैं आपको दोबारा इस चीज को दोहरा रहा हूं कि प्लीज मेरी बातों को ओरिजिनल अपडेट पर ध्यान दें। लोग कहते हैं अपडेट चाहिए, मैं अपडेट देता हूं आपको, और अपडेट यही है। सबसे पहले लोग कहते हैं कि सर सर को जेल हो गई, सर झूठी अपडेट मिलती है। देखो पब्लिक की कंप्लेन आपको दे रहा हूं, सर हम आश्वासन ले लेके हम थक गए, कब तक पेशेंस रखें, टीम का पेशेंस टूट रहा है, इन सब बातों पे हम बातें करेंगे डेफिनेटली। और एक और चीज बात बता दूं आपको, वास्तव में आपकी तकलीफें बहुत बड़ी है। मैं तो ये कहता हूं गजब आपको ईश्वर ने बनाया यार, आप इतनी तकलीफ झेलने के बावजूद भी आप पेशेंस बना के रखा। मैं तो कहता हूं आपके माता पिता को मैं चरण स्पर्श करता हूं, बिल्कुल चरण स्पर्श करता हूं। कितना पेशेंस मैंने तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति या किसी भी कंपनी के प्रति तो नहीं देखा साहब। या आपका प्यार समझूं, या एक क्रांति समझूं, या फिर मैं एक विश्वास समझूं, ये तो भगवान समझ सकता है, क्योंकि मैं एक इंसान हूं कि मैं आपकी भावनाओं को सिर्फ कदर कर सकता हूं, अंदर इंसान के अंदर घुस नहीं सकता हूं कि ये ओरिजिनलिटी क्या है। मैं आपसे सच्चे दिल से कहता हूं मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। छोटा लीडर या बड़ा लीडर, हर इंसान को तकलीफ है। आपको तकलीफ बहुत होगी, लेकिन आपकी टीम में नीचे और तकलीफ है। और जिस इंसान ने पैसे लगाया ना, उसकी सबसे ज्यादा तकलीफ है, कहां से पैसा लगाया, होल पेशेंस बनाया उन्होंने, मानना पड़ेगा। मैं सल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं, दंडवती प्रणाम करता हूं उनको भी। उस इंसान ने, वो बुजुर्ग है, पेंशन के पैसे लगाए, पूंजी पैसे लगाए, नौकरी के पैसे लगाए, ब्याज से लगाए, घर गिरवी रखा, जमीन रखी, सोना गिरवी रखा, फिर भी पैसे लगाए, फिर भी पेशेंस रखा। मैं आप सभी की माता को और आपको मैं प्रणाम करता हूं यार, दिल से हृदय से प्रणाम करता हूं। मैं बहुत बहुत भाविक भी हूं और बहुत बड़ी बात आपको कहने जा रहा हूं, कोई मोटिवेशनल शब्द नहीं है, ओरिजिनलिटी है। और ये साबित किया आपने, जो 1.5 से 2 महीना, 2 महीने से 2.5 महीना पेशेंस रखा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इतना पेशेंस रखा, क्या थोड़ा सा पेशेंस और नहीं रख सकते हम, थोड़ा सा पेशेंस खाली, थोड़ा सा और, इतना देर और वेट किया, थोड़ा सा पेशेंस रखे हैं प्लीज। ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं है, मेरी अपडेट है। मैंने लोगों से नहीं, सर से अपडेट ली है, सीएमडी सर से अपडेट ली है, मैंने सीएमडी सर के ब्रदर से अपडेट ली है, मैंने सीएमडी सर के वकील से अपडेट ली है, मैंने सीएमडी सर के कानूनी कब्जों से अपडेट ली है, हर व्यक्ति से अपडेट लिए, इसीलिए अपडेट दे रहा हूं। लेकिन ओरिजिनल अपडेट क्या, ओरिजिनल अपडेट पे इस पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, चल चलते हैं। ओरिजिनल अपडेट ये है, सबसे पहली अपडेट ये है, हे मेरे दोस्तों क्रांतिकारी व्यक्तियों, मैं आपको सिर्फ सर्वश्रेष्ठ बताता हूं कि ओरिजिनल अपडेट, तेलंगाना में 3 केसेस हुए थे, जिनमें 2 केसेस में हमें बेल मिली, 1 केसेस खारिज या वो स्टे मिला, वो भी अलग बात थी। फिर हमें जीत चुके थे, लोग कह चुके थे, लोगों को विश्वास हो चुका था, लेकिन दोबारा 5 तारीख को कस्टडी वारंट और मांगने पुलिस तेलंगाना पुलिस आ चुकी थी। ध्यान से सुनना, जब कोई केसेस नहीं तो फिर 5 तारीख को कैसे पुलिस पहुंच चुकी। 4th केस एक और था, या तो पुलिस की साजिश, या पुलिस का वर्कआउट, या उनकी रणनीति को समझो कि वो क्या था। जैसे आए तो सर को बहुत तकलीफ तेलंगाना हो रही थी, तो कस्टडी यहाँ की कमेटी ने, एसआईटी कमेटी ने अपने आप को कमेटी अपने हाथ में लेकर जांच के लिए 11 तारीख तक कमेटी को बढ़ा लिया था। 11 तारीख की कमेटी में सर नासिक गए, भोपाल है, मैं भोपाल में मैंने मदद की, एसआईटी टीम की मदद की, वहां पे कुछ कागजातों की दिलाने में मदद की, सर से मिला, मुलाकात की, वहां पे सर से बात हुई, बहुत सारे लोगों की हर चीज को इंक्वायरी करने के बाद वहां के जो एसआईटी टीम के जो मेंबर थे उनको मैं सैल्यूट करता हूं, उनको उन क्रांतिकारी उन सिपाहियों को मैं सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने कानून की सही जांच की। उन्होंने ये नहीं देखा कि अपराधी के पक्ष में है या मित्र के पक्ष में है या सामाजिक के पक्ष में है, किसी को नहीं देखा, सच्चाई से उन्होंने जांच की। जांच में यह पाया गया कि फ्यूचर मेकर वास्तव में एक प्रोडक्ट बेसिस प्रोडक्ट को बेचने वाली के डॉक्यूमेंट को क्लेट कर रहा है उन्होंने।
हमें सल्यूट करता हूं। हमने जो भी बजरंग जी, वो जो भी लोग उनके साथ साथ थे कमेटी के, मैं उन सबको मैं सल्यूट करता हूं। और उसके बाद सर चले गए वहां पे इसार। इसार जाते हैं कि सर को वापस सौंप दिया गया पुलिस की कस्टडी। वापस खत्म होने के बाद सर कहां जाएंगे? जेल थोड़ी जाएंगे, नहीं गलत, जेल ही जाएंगे, गेस्ट हाउस में थोड़ी जाएंगे। वो लोगों ने बोला जैसे जेल रात रुके तो लोगों ने बोला कि सर को जेल हो गई, ये गलत फहमी है, जेल नहीं हुई सर को, जेल में ही रुकना पड़ेगा क्योंकि कानून के नजर में वो मुस्लिम हैं अभी भी, तो वो उनको जेल में ही सोना पड़ेगा। लेकिन लोगों ने क्या अफवाह बढ़ा दी थी कि सर को जेल हो गई, ये बात गलत झूठी साबित हुई। नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं वापस कि सर जैसे ही खत्म हुआ एक दिन के बाद तेलंगा पुलिस आके लेके चली गई चौथा केस में, चौथा केस में लेके चली गई। वहां पे डेट पे डेट, डेट पे डेट बढ़ रही, आपका पेशेंस टूट रहा है। कहते हैं लोग सर डेट पे डेट मिल रही, डेट पे डेट मिल रही, डेट पे डेट मिल रही, इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा हमें, इंसाफ कहां से मिलेगा? क्योंकि ये कानून की ऐसी कसिंजा है, इस कानून के कुछ कुछ करप्ट लोगों ने, कुछ सोची समझी साजिश ने एक रस्सी में कानून की ऐसी गठान बांध दी मेरे दोस्तों कि उसे जोर से खींचोगे तो और मजबूत होगी वो गठान, और मजबूत होगी। उस गठान को काटोगे तो रस्सी कट जाएगी, तो फिर करना क्या पड़ेगा? वो मजबूत गठान को धीरे धीरे स्लो स्लो उस गठान को छोड़ना पड़ेगा, उसमें समय लग रहा है। मैं आपको बता दूं, आपका पेशेंस के लिए बता दूं, वो जो गठान है ना, उस गठान को वो छूटने के लिए, उसको छोड़ने के लिए समय लग रहा है। आप कहते हो कि उसे और खींचोगे, आप सब मिलकर कानूनी मुद्दे बनाओगे, व्हाट्सएप के मुद्दे बनाओगे तो मजबूत बनेगी वो, उसे छूटने दो। उसके तरीके में जैसे लगी ना गठान वैसे ही छूटेगी। एक बार गठान लग गई कानून की तो उसे काटा नहीं जाता, काटेंगे तो रस्सी कट जाएगी, समय लगेगा उसको मजबूत गठान को छोड़ने में। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय लीडरों, मैं इसके लिए कहना चाहता हूं वो गठान को छोड़ने में समय लग रहा है, इसलिए मैं माफी चाहता हूं। और समय ज्यादा नहीं, इतना पेशेंस रखा कुछ दिन, आपको 30 तारीख तक बहुत कुछ अपडेशन आपके पास मिल जाएगी, बहुत कुछ अपडेशन, बहुत कुछ। ये मेरे विश्वास नहीं है, मेरे यकीन नहीं है, मैंने जो इंक्वायरी की उसका विश्वास है। अब आगे की हम बात करते हैं कि सीएमडी सर कैसे हैं। सीएमडी सर की बात बताऊं, कुछ लोग पेशेंस टूट रहा है, उनके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, पेशेंस मत तोड़ो मेरे क्रांतिकारी, मेरे वीर क्रांतिकारियों, क्योंकि पेशेंस तोड़ने से आपका भला नहीं होता है। कोई केस करने में पैसे नहीं मिलते हैं, एक कंपनी का रिकॉर्ड बता दो जो केस करने में पैसा मिला। आपने इतना पेशेंस रखा, थोड़ा पेशेंस और रख लीजिए, भला किसका होता है जो पेशेंस रखता है, विश्वास रखता है। महाभारत और रामायण में क्या सिखाया? धैर्य से युद्ध लड़ो, समझदारी से युद्ध लड़ो, जीत आपकी होगी। गुस्सा मत करो, पेशेंस मत खो, आपका आपका यदि पेशेंस खो गया तो हारते हैं। और हार ये कि आज तक कानून के कब्जों से, कानून के प्रोसेस से, केसेस से किस कंपनी का पैसा मिला बता दो एक का नाम। और आप ये कहते हो कि सर कि जिस कंपनी में केस हो गया वो कौन सी कंपनी छूटी, एक का नाम आप बता दो, आप भी तो गलत हो। हाँ मैं गलत हूं, लेकिन कब? जब आप गलत साबित करोगे तो गलत हूं। मैं आपको बताता हूं, कानून के ऐसी गठान में कई कंपनियां बंधी और छूटकर सामने आई, कई कंपनियां जो झूठे केसेस में फंसाई गई थी, कई कंपनियां। एक छोटी सी नहीं, बहुत अच्छी क्रांति, एक आरसीएम कंपनी थी, आरसीएम कंपनी पे केस किया गया, कई लड़ाई, लंबी लड़ाई लड़ने के बाद वो जीती और अपने हर डिस्ट्रीब्यूटरों को आश्वासन देकर उसको विश्वास दिलाया। ऐसी कई कंपनियां हैं जो जीत कर सामने आई है। आपके पेशेंस से ही कंपनी जीतती है और आपके पेशेंस टूटने से ही कंपनी लंबी होती है। आप क्या समझ रहे कि आप केस कर देंगे, आप ये कर देंगे और लेट करेंगे, टूटेंगे, कई मृत्यु होगी, कई विश्वास टूटेंगे, लोग गुस्सा होंगे। एक बात और बताऊं, आप सभी लोगों की प्रकृति नहीं, ये प्रकृति का नियम है, जितना लेट होगी इतनी अलग अलग बातें होती है। बस इन चीजों के साथ मैं आपको समझाना चाहता हूं, हे मेरे क्रांतिकारियों, हे मेरे देशवासियों, ये ओरिजिनल न्यूज है। आपको 30 तारीख तक और पेशेंस रखें, मैं कहता हूं 30 के बाद भी पेशेंस रखना पड़ा है, तो थोड़ा बहुत पेशेंस रखने में कहां जा रहा है, क्या जा रहा है? आपने इतना पेशेंस रखा, थोड़ा ना देखो, क्योंकि आप तो क्रांतिकारी बोलते थे, आप तो बोलते देश प्रेमी है राधेश्याम जी, और मैंने देखा वो देश प्रेमी है। मैं उनके साथ लंबा बिजनेस किया, मैंने उनके साथ लंबा टाइम बिताया, उनकी आंखों में मैंने ये देखा कि वो गद्दार नहीं है,
और सबसे बड़ी बात, एक बात कहना चाहता हूं आपको आज, बहुत बड़ी बात, वो बहुत बड़ी बात ये कि यदि किसी भी व्यक्ति को सीटी में आप थप्पड़ मार देते हो उसके घर के सामने, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, किसी भी व्यक्ति को थप्पड़ मार देते हो अपने घर के सामने, सुबह भूल जाएगा, लेकिन गांव में किसी भी इंसान के घर के सामने उसको थप्पड़ थोड़ी गाली ही मार दोगे तो उसका सारी रेपुटेशन खत्म हो जाती है, सारी रेपुटेशन। ऐसे ही मैंने ये महसूस किया कि मैं इतना कंपटीशन से क्यों बोल रहा हूं, इतना विश्वास से क्यों बोल रहा हूं, इतना जोश क्यों है, क्योंकि मैं राधे श्याम जी से मिला। राधे श्याम जी के साथ मिलने के बाद मैंने ये जार पड़ताल में देखा कि वो क्षेत्र एक ग्रामीण क्षेत्र से है, उनके पिता एक बुजुर्ग ग्रामीण है, उनके भाई एक ग्रामीण में है, उनके पिता माता पिता एक गांव की परिभाषा को जीते हैं, वो इज्जत को प्यार करते हैं। आप बोलते हो हमारी सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी बताओ, सबसे बड़ी सिक्योरिटी ये है। अब मैं थोड़ा सा नेगेटिव और पॉजिटिव की ओर जाऊंगा ना, सबसे बड़ी नेगेटिव और पॉजिटिव ये है, ध्यान से सुनना मेरी बातों का, कि राधे श्याम जी यदि छुट भी जाते हैं तो देश के बाहर नहीं जा सकते हैं। दूसरा, वो यदि ये सोचते हैं कि वो बैठ जाएंगे, वो बैठ नहीं सकते हैं कि ये पब्लिक उनके ग्रामीण वासियों को बैठने नहीं देगी, या आपका पक्ष रख रहा हूं, नहीं बैठने देगी। लेकिन वो इंसान इतना है कि जब अपनी इज्जत और अपनी शोहरत को बचाने के लिए वो खुद कहते, जब मैं उनसे मिला, मेरे से ये कहा, मैंने कि सर आप 2 दिन के बाद छुट्टी के बाद घर जाना, उन्होंने कहा, मुझसे राधेश्याम सर ने और सुंदर सर ने, मेरे गुरु ने ये कहा कि हम घर नहीं जाएंगे, हम पब्लिक का सामना करना पड़ेगा और करेंगे हम पब्लिक का सामना और करेंगे वो, ये विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि वो क्षेत्र जो ग्रामीण से व्यक्ति जुड़ा हुआ है इसी भावना को समझ सकता है, अन्यथा व्यक्ति, अच्छा एक और एजुकेटेड व्यक्ति भी समझ सकता है इस बातों को। आप इन चीजों को गौर से समझें। मैंने बहुत लंबी ऑडियो बनाई, पहली बार हिम्मत करके वापस इतनी लंबी वीडियो बनाई, और मैं आपसे माफी चाहता हूं कि किसी के हृदय को ठेस पहुंची या किसी सम्मान को ठेस पहुंची या किसी व्यक्ति को ठेस पहुंची। आप बहुत तकलीफ में हो मेरे दोस्तों, बहुत परेशान हो, क्यों आज आप ये बात क्यों बोल सकता हूं, क्योंकि इस तकलीफों से मैं गुजर रहा हूं, मैं सुरेश सिंह सोनगरा मैं गुजर रहा हूं, क्योंकि आप देख सकते हो कि एक बड़े लीडर्स नहीं हूं, मैं आपका सेवक हूं। कितनी तकलीफ प्रशासन की है मुझे, कितनी तकलीफ मेरे इन्वेस्टरों की है, कितनी तकलीफ, इन्वेस्टर का मतलब है उन लोगों ने जो प्रोडक्ट खरीद कर रखे हैं। दूसरी बात बताऊं, मैं उन तकलीफों को समझ सकता हूं लोगों की जो मुझसे जुड़े हैं, लेकिन मुझे कितनी तकलीफ है ये किसी ने एहसास किया, और एहसास किया तो मैं आज बताता हूं मेरा दर्द, एक एक मिनट एक एक सेकंड सुई के कांटों पे बैठकर मैं आपको अपडेट, और आपके फोन उठाता हूं, चारों फोन चालू है मेरे, हर मुश्किल के सामने भी चालू है, और मैं कहता हूं सुरेश सिंह सोनगरा ये कहता है मर जाऊंगा मिट जाऊंगा लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, जितना साथ दे सकूं। लेकिन कुछ लोग ज्यादा फालतू बात ना करें, क्योंकि मेरा मोबाइल चालू रखना बहुत जरूरी है, मुझसे अपडेट और प्यार मांगे। थैंक यू सो मच, आई लव यू। हे मेरे देशवासियों को प्रणाम, माफी चाहूंगा इस ऑडियो के प्रति, किसी भी देशवासी किसी भी छोटे या बड़े लीडर को ठेस पहुंचे तो मैं उनको और उनकी माता से माफी मांगता हूं, पैर पकड़ के माफी मांगता हूं। जय हिंद, जय फ्यूचर मेकर, जय राधेश्याम। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे आइकॉन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें, ताकि PACL और अन्य चिटफंड कंपनी से जुड़ी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे।